जोहान्सबर्ग में खेले जाने वाले पिंक डे मैच में 4 विकेटें हासिल करके जनूबी अफ्रीका को सिर्फ 164 रन तक महदूद रखने में अहम किरदार अदा करने वाले कौमी फास्ट बॉलर उस्मान शनवारी ने अपनी कारकर्दगी कैंसर के मरीजों के नाम कर दी है। पेसर का कहना है कि पहले और दूसरे स्पेल के दौरान स्टेडियम की पिच में डबल बाउंस होने की वजह से लाइन और लेंथ पर कंट्रोल में दुश्वारी महसूस हुई। ताहम इनके तीसरे स्पेल में गेंद पुरानी हो चुकी थी, जिसके बाद रिवर्स स्विंग की बदौलत विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। हैट्रिक ना होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि बहरहाल कोई बात नहीं, आइंदा कभी हैट्रिक कर लूंगा। उस्मान शनवारी ने कहा कि पिंक डे सिर्फ जनूबी अफ्रीका ही नहीं, हमारे लिए भी एक बड़ा दिन है। अपनी कारकर्दगी कैंसर के मरीजों के नाम करता हूं। याद रहे कि उस्मान शनवारी ने चौथे वनडे में 7 ओवर्स में 35 रन देकर 4 शिकार किए। जोहान्सबर्ग में ये सालाना पिंक डे मैच था। गुज़िश्ता 6 साल से कैंसर के मरीजों के लिए फंड्स जमा करने की खातिर मेजबान क्रिकेटर्स गुलाबी किट पहनकर मैदान में उतरते हैं और इस मैच से जो पैसा इकट्ठा होता है वो कैंसर के मरीजों को देते हैं।